माउंट आबू में चार हनुमान पुराणों का वर्णन है। कहा जाता है कि यहाँ चारों दिशाओं में हनुमान माउंट आबू की पहरेदारी करते हैं। यहाँ दक्षिण दिशा में हनुमान जी को दक्षिण तट हनुमान जी कहा जाता है। पूर्व दिशा में हनुमान जी को संकट मोचक हनुमान जी कहा जाता है। उत्तर दिशा में हनुमान जी को ज्ञानेश्वर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। साथ ही पश्चिम दिशा के हनुमान जी को चंपकेश्वर हनुमान कहा जाता है। यह हनुमान जयंती के मौके पर भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। माउंट आबू के ज्ञानेश्वर हनुमान जी, जिसे ज्ञान गुफा के हनुमान जी भी कहते हैं, उत्तर दिशा में विराजमान है हनुमान जी और हम इस उत्तर दिशा के हनुमान जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। हनुमान जयंती है और श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, गुजरात से आए श्रद्धालु। आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की श्रद्धा है? हमारे यहाँ पे गुरु जी थे, हम हर हनुमान जयंती पे आते हैं दर्शन करने के लिए। वो भरतदास जी थे और माता जी बद्रीदास भी जो उनके सानिध्य में आते हैं हनुमान जयंती मनाने के लिए। और जो हनुमान जयंती के दिन वो बड़ा भंडारा होता है तो वो सब साधु संतों को वो दक्षिणा देते हैं और सब लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत हमारी इच्छा पूरी होती है। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप हनुमान जयंती और गुरु पूर्णिमा है और माता जी की तिथि और गुरु जी की तिथि, सब रामनवमी ये उजवते हैं और ये सानिध्य में सब हनुमान जयंती के निमित्त सब लोग 400-500 का भंडारा भी होता है। जिस प्रकार से हनुमान जयंती का 400-500 लोगों का आज भंडारा होना और हनुमान जयंती में जो है श्रद्धालु पधारते हैं, उत्तर दिशा के ज्ञान गुफा हनुमान जी के हम दर्शन करा रहे हैं। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अनिल रन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू का विश्व प्रसिद्ध दक्षिण तट हनुमान जी। माउंट आबू में चारों दिशाओं के अंदर चार हनुमान हैं। हम दक्षिण तट हनुमान जी के महंत जो हैं मुरलीदास जी महाराज जी से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से चारों दिशाओं के अंदर जो है चारों हनुमान जो है माउंट आबू की रक्षा करते हैं, यहाँ के आने वालों की रक्षा करते हैं। हम हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पे हम कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से दर्शनार्थी आते हैं और पूरे दर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जो है इस मंदिर की एक अलग ही महत्व होता है। यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी महाराज विराजमान है और यहाँ पूर्व में वशिष्ठ जी महाराज का आश्रम है। भगवान ने बाल काल में आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त किया था। उसी टाइम में हनुमान जी भी यहाँ, ये जो यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो ये पूरा चट्टान है इसके पीछे जो गुफा है वो अंजनी गुफा कहलाती है। माँ हनुमान जी की माता जी ने यहाँ रह करके साधना किया और हनुमान जी के लिए हनुमान जी से पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और भगवान राम जी यहाँ जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी टाइम में हनुमान जी महाराज भी अपनी माता जी की तपस्थली का दर्शन करने के लिए आए और भगवान का यहाँ भेंट हुआ, हनुमान जी का और राम जी का यहाँ बचपन में भेंट हुआ और हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना किया, मैं भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आपके गुरु जी से मुझे भी शिक्षा प्राप्त हो। तो राम ने कहा तुम हम गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना, मैं भी महाराज से प्रार्थना करूंगा, तुम महाराज के पास में आना। जब हनुमान जी वशिष्ठ जी के पास में जाकर के और शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया उसी टाइम में वशिष्ठ जी ने कहा तुम जो है न तुम्हारी माता वहाँ किष्किंधा में जो है न तुम्हारे बिगर व्याकुल है, इसलिए तुम जा करके माता की सेवा भी करो और मतंग ऋषि के आश्रम में जा करके तुम वहाँ से शिक्षा प्राप्त करो। इस प्रकार का आयोजन चलता रहता है और माउंट आबू के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की विश्व में ख्याति है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अनिल रन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू।